जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 की बोर्ड परीक्षा में चित्रकला विषय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ चित्रकला विषय से संबंधित ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। और इन सभी प्रश्नों को मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि इन्हें अपनी नोट्स पर लिख जरूर लेना, क्योंकि लिखने से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ये सभी प्रश्न। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें समझना होता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हमको याद करना होता है। तो आप याद करने वाले प्रश्नों को याद करिए, समझने वाले प्रश्नों को आप अच्छे से समझिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, चित्रकला विषय से भी रिलेटेड मैं आपको वीडियो इसी तरह से प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक शेयर कर देना और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताओ। तो चलिए, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाण कालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है। यहां पर आप लोग देखेंगे विकल्प इस प्रकार से, और जो विकल्प आएंगे 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे चित्रकला विषय में, जिसमें आलेखन भाग आप लोग ध्यान देंगे, आलेखन भाग के कितने प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे। और यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रावैधिक भाग के भी कितने प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे। तो आप यदि यहां पर आप ध्यान देंगे, आपने यदि आलेखन भाग वाले प्रश्नों को स्टार्ट किया है सॉल्व करना या हल करना, तो यहां पर ओएमआर शीट का नमूना आप देख सकते हो, इसमें वर्णित है यहां पर चित्रकला विषय हेतु आलेखन भाग के लिए आपको एक नंबर वाले गोले को काला करना है कि मैंने आलेखन वाले भाग के प्रश्नों का उत्तर दिया। यदि आप प्रावैधिक वाले भाग के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो यहां पर प्रावैधिक के सामने दो नंबर वाले गोले को काला करना है। ओएमआर शीट में आपको ये चीज अंकित करना होगा। और इसी तरह से संगीत वादन विषय हेतु भी यहां पर दिया गया है। और नीचे आप आएंगे तो यहां पर चित्रकला विषय हेतु यहां पर चिन्ह लगाइए, आलेखन भाग के लिए यहां पर लगाना है। और यदि आप प्रावैधिक वाले प्रश्नों को कर रहे हैं तो आपको यहां पर चिन्ह लगाना है। इसी तरह से संगीत वादन विषय से भी रिलेटेड है, तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे। यदि आप आलेखन वाले प्रश्नों को कर रहे हैं तो आप जो है यहां पर गोला काला कर दीजिएगा और यहां पर चिन्ह लगा दीजिएगा। और यदि आप प्रावैधिक वाले भाग के प्रश्नों को कर रहे हैं, यानी जो 20 प्रश्न आएंगे उनका आंसर, तो आपको यहाँ पर काला करना होगा। मैंने आपको बता भी दिया और बोर्ड एग्जाम तक मैं आपको स्पष्ट रूप से और भी समझा दूंगा। तो मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाण कालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों काला होगा, गेरू होगा, पीला होगा या बैंगनी, उत्तर हो जाएगा गेरू। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान देंगे, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। विकल्प यहां पर आप देखेंगे, पहला विकल्प है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 8 और चौथा विकल्प है 7। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, 8। यहाँ पर पहला ही विकल्प गलत है, दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। सही कौन सा है, तीसरा वाला, यानी ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे अगला है, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है। आलेखन का सबसे पहला महत्व क्या है, विकल्प है पहला वस्तु को आकर्षक बनाना, दूसरा वस्तु को उपयोगी बनाना, तीसरा वस्तु को
कीमती बनाना और चौथा वस्तु को टिकाऊ बनाना। तो आलेखन का सबसे पहला महत्व क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु को आकर्षक बनाना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी किस आकार में हम आलेखन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर विकल्प है पहला वर्ग। वर्ग इस तरह का होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वृत्त, यहाँ पर आप देखेंगे गोल होता है वृत्त, जिसे गोला भी कहा जाता है। और त्रिकोण इस तरीके का होता है, आप मैथ में पढ़े होंगे त्रिकोण कैसा होता है। लेकिन जो कोण होता है उसमें आप किसी भी तरह का आलेखन नहीं बना सकते। अर्थात प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आकार है जो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है। विकल्प है पहला मेवाड़ शैली में, दूसरा है कोटा शैली में, तीसरा है किशनगढ़ शैली में, चौथा है जयपुर शैली में। तो राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य अर्थात जो चित्र है उसमें कैसा दृश्य है, शिकार करते हुए का दृश्य बनाया गया है, और ये किस शैली में अधिक हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किशनगढ़ शैली में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है, यानी दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्थान है जहाँ पर ऊंट की खाल पर चित्रकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर विकल्प है पहला नाथ द्वारा, दूसरा बूंदी, तीसरा किशनगढ़ और चौथा विकल्प है बीकानेर। तो ऊंट की खाल पर चित्रकारी कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, उत्तर हो जाएगा विकल्प सही बीकानेर में। अगला प्रश्न है, राजा संसार चंद्र या संसार चंद का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है। तो विकल्प है पहला बूंदी चित्र शैली, दूसरा विकल्प है यहाँ पर मेवाड़ चित्र शैली, तीसरा विकल्प है किशनगढ़ चित्र शैली और चौथा है विकल्प कांगड़ा चित्र शैली। तो राजा संसार चंद्र का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कांगड़ा चित्र शैली हो जाएगा, चौथा विकल्प इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है या कहाँ स्थित है। तो विकल्प है पहला इलाहाबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा विकल्प है कानपुर, चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी। तो उत्तर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में। उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई। विकल्प है पहला पहाड़ी, दूसरा विकल्प है राजस्थानी शैली, तीसरा विकल्प है मुगल कला शैली और चौथा विकल्प है आधुनिक कला शैली। तो रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई, उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराजा संसार चंद किस शैली के उन्नायक थे, बूंदी शैली के, किशनगढ़ शैली के या बंगाल शैली के या फिर कांगड़ा शैली के। तो यही प्रश्न यहाँ पर बदल कर पूछा गया था कि राजा संसार चंद का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है, तो उत्तर है यहाँ पर कांगड़ा चित्र शैली। तो यहाँ पर भी उत्तर क्या हो जाएगा, कांगड़ा शैली। प्रश्न एक ही है लेकिन उसका पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, तो आप इसे भी तैयार कर लेना। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। पहला है विकल्प 12, दूसरा विकल्प है 18, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा विकल्प है 9।
तो सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 7। विकल्प कौन सा सही है? 7 सही है। तो आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और मैं आपको इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा चित्रकला विषय की। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।